हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीजा नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये वीजे के बारे में जानने के लिए वो लास्ट तक वीडियो देखे, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीजे के बारे में बात करते हैं। वीजा कहाँ का है, क्या पोजिशन है, क्या वैकेंसी है इसके अंदर, और इसकी सैलरी क्या है, कहाँ का वीजा है ये, चलिए आइए बात करते हैं। ये वीजा है भाई पोलैंड का। बहुत से बंदे जो है यूरोप जाने के लिए एकदम परेशान है, भाई मेरे को यूरोप भेज दो, यूरोप भेज दो। तो उनके लिए अभी मैं कंटिन्यू यूरोप का वीजा लेके आ रहा हूँ। जो बंदे अब यूरोप जाना चाहते हैं भाई, वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि मेरे पास अब कंटिन्यू यूरोप का कंट्री का वीजा आ रहा है, क्योंकि ऑफिस मेरे को मिल गई है, उसके थ्रू मेरे पर वीजा कंटिन्यू आ रहा है। 1000+ ऑफिस है, कोई छोटी मोटी ऑफिस नहीं है, तो इसमें बिंदास काम करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, मैं भी उसके अंदर काम करा, जिसका भी बंदा मैं उसमें दूंगा, तो मेरे को भी सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा आप लोग का इसके अंदर। इसीलिए मैं जो ऑफिस पकड़ा हूँ ना, बहुत परफेक्ट ऑफिस है, चार्ज करती है मगर काम कराती है परफेक्ट। बहुत से बंदे को भेज भी चुकी है, इनके पास ज्यादा जो है ना, ज्यादातर ये यूरोप कंट्री का काम करते हैं, तो ये जो है ऑफिस का काम है, ये यूरोप कंट्री का काम है। तो मैं इसमें नंबर है मेरे पास बंदे का, वो बंदे का नंबर दे दूंगा आप लोग को, वो बंदे पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, वो पूरा फुल डिटेल बताएगा आप लोग को क्या करना है कैसे करना है। चलिए आइए बात करते हैं इसका जो है इंटरव्यू कब है और शॉर्टलिस्ट कब है। तो क्लाइंट इंटरव्यू इन मुंबई शॉर्टली, तो इसका जो है ना शॉर्टलिस्ट होगा भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है क्लाइंट इंटरव्यू आप लोग का नहीं होगा। इसमें जो है सीवी आप लोग की शॉर्ट होगी, सीवी शॉर्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। जो जो बंदे के पास स्किल रहेगा उन्हीं की सीवी शॉर्ट होगी। इसमें पोजीशन क्या है भी जान लेते हैं। टिग वेल्डर मिग वेल्डर है, सीएनसी ऑपरेटर है, सीएनसी ऑपरेटर है, फिटर फैब्रिकेटर है, फर्नीचर कारपेंटर है, और अब सोफा मेकर की भी वैकेंसी है भाई इसके अंदर। तो बहुत से बंदे जो है ना ये वेल्डर में और ऑपरेटर में, फैब्रिकेटर में, फर्नीचर कारपेंटर में और सोफा मेकर के लिए बहुत से बंदे हमसे पूछते हैं भाई यूरोप का वीजा दो, यूरोप का वीजा दो। ठीक है भाई, अपनी आप सीवी भेजिए, मैं शॉर्टलिस्ट कराता हूँ, फिर इंटरव्यू आप लोगों का मुंबई में। जो बंदे मुंबई जा सकते हैं वही बंदे मैसेज करें, क्योंकि दूर है बम्बई दूर है, तो फिर भी जो बंदे इंटरेस्टेड रहेंगे, पैसा खर्चा करना चाहते हैं और पोलैंड जाना चाहते हैं, वो लोग मेरे नंबर पे एसएमएस कर लें, मैं उनको उनकी सीवी शॉर्ट करा दूंगा। अगर उनकी सीवी शॉर्ट हो गई तो ऑफिस वाले बुलाएंगे, क्लाइंट इंटरव्यू होगा और फिर इसके अंदर हो जाएगा। तो सब स्किल वाले बंदे इसके अंदर चाहिए, हेल्पर की इसके अंदर वैकेंसी नहीं है भाई। तो हेल्पर लोग जो है यूरोप जाने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग वेट करें, और हेल्पर लोग के लिए मैं यही सजेशन देता हूँ कि वो लोग पहले कोई हुनर सीखे फिर जाएं यूरोप कंट्री, क्योंकि स्किल में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्पर सेल्पर में जाएंगे कोई भी काम मिलेगा करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पर की जो होता है ना, हेल्पर तो हेल्पर कोई भी काम करना पड़ सकता है, अंदर बाहर आप लोग को, धूप में भी बाहर भी और ठंडे में सब कर, ये नहीं फिक्स कि आप लोग ठंडे में काम करेंगे। बहुत से बंदे बोलते हैं भाई मेरे को तंदे में काम चाहिए, तो तंदे में काम इधर से मिलेगा भाई? बहुत से बंदे बोलते तंदे में काम चाहिए, तंदे में काम कहाँ से मिलेगा भाई? हेल्पर तो हेल्पर होता है, अंदर बाहर सब काम करना पड़ता है भाई। हेल्पर इतना दिमाग में डाल के जाइए कि हेल्पर में जा रहे हैं तो हल्का भारी सब काम करना पड़ेगा, और कोई स्किल है आपके पास तो वही काम आप लोग को करना पड़ेगा। इसके लिए मेरी यही राय है कि आप लोग 2-4-5 महीना 6 महीना बाद जाए, मगर कोई स्किल हुनर सीख के जाए, वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फिर भी आप लोग की मर्जी भाई, जो जाना चाहते हैं हेल्पर के लिए तो हेल्पर का भी वीजा आता रहता है, अभी रोमानिया का भी वीजा है हेल्पर का, जो बंदे जाना चाहते हैं उनका मैं काम करा दूंगा। और ये पोलैंड का है भाई, मुंबई में इसका इंटरव्यू है, पहले सीवी शॉर्ट होगी उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब ये 1000+ ऑफिस है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं, बिंदास इसके अंदर आप काम करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सा पोलैंड का वीजा आता है इनकी ऑफिस में, हर जगह का आता है, पूरी जितनी भी यूरोप कंट्री सबका इनके अंदर वीजा आता है। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, पैसा लेते हैं मगर काम कराते हैं। इनका चार्जेस जो है मेरे को कुछ मालूम नहीं चार्जेस के बारे में भाई, क्योंकि अभी इंटरव्यू होगा उसके बाद ही बताएंगे ये लोग। जिसकी सीवी शॉर्ट होगी उसको हो सकता है कि ये लोग बता दें क्या चार्जेस है, मगर सीवी शॉर्ट होने के बाद ही ये लोग चार्जेस बताएंगे, क्योंकि चार्जेस बता देंगे तो बंदे अफोर्ड करेंगे तो वो लोग जाएंगे इंटरव्यू देने, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो नहीं जाएंगे। तो पोलैंड का वीजा है भाई, और सैलरी का जो है सैलरी का कुछ मेंशन नहीं किया गया, इसके बारे में भाई कोई भी मेंशन नहीं किया गया, लिखा है बस अट्रैक्टिव सैलरी एंड अदर बेनिफिट। तो आप लोग मेरे नंबर पे एसएमएस करेंगे, फिर मैं एक लोग का नंबर दूंगा, उनके नंबर पे आप मेल आईडी देंगे, उस पे मेल कर देंगे अपनी सीवी, फिर वो सीवी उधर सेंड कर देंगे। अगर सीवी शॉर्ट हो गई आप लोग की तो इसमें आप लोग का काम हो जाएगा, मगर क्या है भाई इसके अंदर जो है ये ऑफिस अच्छी है, तो आप लोग इसके अंदर बिंदास काम करा सकते हैं, आपकी सीवी शॉर्ट करा दी जाएगी। अगर आपके पास टैलेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा गल्फ वुल्फ का, तो हो जाएगा काम आप लोग का बिंदास, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ठीक है भाई, जो लोग पोलैंड जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग नंबर पे एसएमएस कर लें और रेडी हो जाए, वो लोग मुंबई जाने के लिए सीवी शॉर्ट होती है अगर। तो
चलिए ठीक है, आज के लिए तो नहीं है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो साथ नई वैकेंसी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए। ओके बाय।